अभी आपको खबर दें कि नून लीग रहनुमा हनीफ अब्बासी तबीयत खराब होने पर गंगाराम अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। खानदान ज़राए के मुताबिक हनीफ अब्बासी की जेल में कई रोज से तबीयत खराब थी। हनीफ अब्बासी एफिडेंट कोटा केस में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं और आज उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ी और तबीयत खराब होने पर उन्हें आज गंगाराम अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ज़ीशान मलिक से मजीद बात करेंगे। ज़ीशान, तबीयत कैसी बताई जा रही है, कुछ पता चल सका? जी बिल्कुल, लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी की जेल में तबीयत खराब होने के पेश नजर उनको गंगाराम अस्पताल मुंतकिल किया गया है। उससे कबल भी उन्हें सीने में तकलीफ महसूस हुई थी तो अस्पताल में उनका स्टेंट भी डाला गया था। तमाम जेल हुकाम का कहना है कि उन्हें काफी ज्यादा बुखार महसूस हो रहा था और उन्हें सीने में तकलीफ थी, जिसके फौरन उन्होंने जब इतला की सुपरिटेंडेंट को तो उन्होंने फौरी तौर पर इनको गंगाराम अस्पताल मुंतकिल करवाया, जहाँ पर उनका तबी इलाज किया जाएगा। जैसे ही डॉक्टर तसलीबख्श रिपोर्ट देते हैं कि वो ठीक है तो उन्हें वापस जेल में मुंतकिल कर दिया जाएगा। इससे कबल 3 से 4 दफा उनकी जेल में तबीयत खराब होने पे उन्हें अस्पताल फौरी तौर पर मुंतकिल किया गया था और अब उनका एक बार फिर तबी मुआयना किया जा रहा है कि अगर तबीयत उनकी संभलती है तो फिर जेल मुंतकिल किया जाएगा, अगर कोई ज्यादा उन्हें परेशानी का सामना तबीयत के हवाले से तो उन्हें अस्पताल में ही रखा जा सकता है। ठीक है, तबी मुआयना इस वक्त किया जा रहा है उनका। ज़ीशान मलिक, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तो अब बात करेंगे धरने और एहतजाज के हवाले से। तो पंजाब असेंबली के सामने सरापा एहतजाज, डेली हेल्थ